अक्सर सुबह कोई भी व्यक्ति जब अखबार पढ़ता है तो उसमें राशियां पढ़ने में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। वो अपनी राशि के हिसाब से अच्छे बुरे का पता लगाने की कोशिश करता है। यह आदत अमूमन सभी के अंदर होती है और देखा जाए तो राशि का हमारे जीवन में काफी महत्व भी होता है। कोई भी शुभ या अशुभ का हमें अपनी राशि से पता लगाया जा सकता है। कुंडली का मिलान भी राशि के हिसाब से होता है। हमारे जीवन में ग्रहों का ऊपर नीचे होना भी काफी कुछ दर्शाता है। वैसे तो हम रोजाना राशि सुनते या पढ़ते ही हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे पूरे महीने यानी कि जून माह के राशिफल के बारे में। 1 जून से 30 जून तक किसकी राशि में क्या होगा आपको बताते हैं। 12 राशियों में से इस माह 3 राशियों की किस्मत फूटने वाली है। चलिए आपको बताते हैं कौन सी हैं वो 3 राशियां। मेष राशि, जून के महीने में व्यय अधिक रहेगा। कार्यक्षेत्र में किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से दिक्कतें आ सकती हैं जिनके साथ आपके संबंध अच्छे हैं। परिवार के किसी मामले को लेकर चिंतित रह सकते हैं। थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। महीने के अंत में रिलैक्स महसूस करेंगे। आप दूसरों की सहायता करने का भाव जागृत करेंगे। धार्मिक कार्यों की ओर अग्रसर होंगे। जो काम आप हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही मानेंगे। मौसम के अनुरूप खान पान का आनंद लेंगे। शुभ यात्रा भी इस महीने आपकी हो सकती है। वृषभ राशि, आपके कार्य क्षेत्र में आपके अनुकूल रिजल्ट मिलने में अभी और वक्त लगने की उम्मीद बन रही है। आर्थिक स्थिति तभी बेहतर होगी जब आप थोड़ा सा रिस्क लेना सीखेंगे। जीवन में रिस्क लेना बहुत जरूरी है। यात्रा संभव हो तो टाल दीजिए, बेहतर होगा। माह के अंत में आप अपनी स्थितियों को सुधारने के लिए आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। राजकीय कार्य विधिवत पूरे होंगे। आपकी इनकम बढ़ने के स्रोत बढ़ेंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ससुराल पक्ष में किसी आयोजन में शामिल हो सकते हैं। मिथुन राशि, जून का महीना आपके लिए शुभ रहेगा। आपके मन मस्तिष्क में धार्मिक प्रवृत्तियां हावी रहेंगी। नए लोग भी नए स्थान आपको आकर्षित करेंगे। आप संपत्ति निवेश आदि से बिल्कुल सावधान रहने की आपको जरूरत है। व्यवसायिक यात्रा लाभ प्रदान कर सकती है। कारोबार में फायदा हो सकता है। आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होती जाएगी। किसी महिला की मदद से यात्राओं में सुखद एहसास होगा। महिलाओं के प्रति सम्मान करना सीखें। कार्य क्षेत्र में बाहरी हस्तक्षेप आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। किसी शिफ्टिंग या प्रॉपर्टी को लेकर अधिक स्ट्रेस आपके सेहत पर प्रभाव डालेगा, जिसके चलते आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए जून का महीना घातक साबित होगा। आपको संतान के विषय में चिंता हो सकती है। पारिवारिक मामले में कुछ निराशा का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में कुछ अनबन हो सकती है। विद्यार्थियों को आशा अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। व्यापार में नुकसान भी हो सकता है। इस महीने आपके घर में चोरी भी हो सकती है। थोड़ा सावधान रहें। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। वाद विवाद की स्थिति इस महीने बनेगी, लेकिन आपको शांत रहना होगा। सिंह राशि, परिवार की कोई ऐसी महिला सदस्य जिन्होंने मेहनत करके एक मुकाम हासिल किया है, वह इस महीने आगे बढ़कर आपकी मदद करेंगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में साधारण सफलता मिल रही है। इस महीने व्यय अधिक रहेगा, जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। घर में किसी नवीन वस्तु की खरीदारी संभव है। कोई भी नया सामान खरीद सकते हैं। आपके दुश्मन परास्त होंगे। नौकरी व्यापार में सफलता आपको प्राप्त होगी। नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी। निवेश शेयर आदि से लाभ आपको संभव है। कन्या राशि, कार्य क्षेत्र में अद्भुत सफलता और बहुत सारे फायदे आपको इस महीने हो सकते हैं। आपके कार्य बेहतर परिणाम देंगे। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी एवं इस मामले में कोई महिला आपकी मदद करेगी। महिला से आपको फायदा होगा। महीने के अंत में कोई पुराना काम फिर से शुरू हो सकता है। ज्यादा आत्मविश्वास घातक सिद्ध हो सकता है। व्यापारिक और कारोबारी योजनाएं बहुत तेजी से गति पकड़ेंगी। आपका किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है, जिसके चलते आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी। आप कोई भी नया वाहन खरीद सकते हैं। उसमें गाड़ी या बाइक दोनों शामिल हो सकते हैं। तुला राशि, इस महीने जीवन में कुछ खालीपन सा महसूस करेंगे। पुराने मित्रों से मनमुटाव हो सकता है।
उच्च अधिकारियों से अच्छे संपर्क बनेंगे, जिसके चलते आपको फायदा हो सकता है। इस सप्ताह स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा, आपको पिता का सहयोग जरूर मिलेगा। जून में आर्थिक प्रगति में धीमी गति बनेगी। इस महीने सेहत में सुधार महसूस करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। आप जो यात्राओं में सुखद अनुभव करेंगे उससे आपको दिक्कत भी हो सकती है। परिवार का कोई युवा आपकी लाइफ में आगे बढ़कर आपकी मदद करेगा, जिसके चलते आपको उससे प्यार भी हो सकता है। वृश्चिक राशि, आप आर्थिक मामले में कुछ स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं। दांत या मुंह से संबंधित तकलीफ इस महीने आपको हो सकती है। आपको बीमारी के चलते बहुत दिक्कत हो सकती है, किसी युवा को लेकर परेशान रह सकते हैं। कोर्ट कचहरी वाद विवाद आदि में आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। परिश्रम व मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। अपने घर परिवार को आपको ध्यान में रखना होगा, चिंताएं व तनाव हमेशा कम होंगे। इस महीने आपको शुभ काम बनेंगे। धनु राशि, इस महीने आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारी परेशानियां उनके जीवन में इस माह आने वाली हैं। संतान की ओर से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। घर में अशांति रहेगी, कलेश बढ़ने के योग बन रहे हैं। दिमाग से आपको काम लेना होगा। जून में मामला गड़बड़ ही रहेगा, पेट दर्द हो सकता है, सेहत भी कुछ ठीक नहीं रहेगी। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आप महसूस करेंगे, थोड़ा सा सावधानी बरतने की आपको विशेष जरूरत है। मकर राशि, स्वास्थ्य में कुछ गिरावट महसूस करेंगे, दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के किसी ऐसे सदस्य की मदद आपको मिलेगी जिनकी आर्थिक मामलों में पकड़ मजबूत है, जिसके चलते आप कोई भी दिक्कत ना लें। आर्थिक मामले धीरे धीरे सुधरेंगे, पैसे के लेन देन में भी आपको फायदा होगा। कार्य क्षेत्र में कुछ बंधन महसूस कर सकते हैं एवं किसी भी कार्य को करने की स्वतंत्रता उतनी नहीं रहेगी जितने की आप अपेक्षा करते हैं। आप इस महीने किसी भी गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, इसलिए सोच समझकर काम करें। आपके सारे बनते कामों में रुकावट आएगी, व्यापार व नौकरी सामान्य रहेंगे। नौकरी में कोई भी दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। कुंभ राशि, कार्य क्षेत्र में बेचैनी एवं तनाव बढ़ सकता है, व्यय अधिक रहेगा। साझेदारी में निवेश आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अपनी वाणी व क्रोध पर नियंत्रण रखें, दोस्तों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। बीमा निवेश जैसी आर्थिक गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी। किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिससे कोई भी बड़ा व्यापार करने में फायदा हो सकता है। आपको कोई बड़ा व्यापारी भी आपके काम में सहायता कर सकता है। हो सकता है कोई व्यक्ति विदेश से आकर आपसे डील करे और आप उसमें करोड़ों के मालिक बन जाएं, लेकिन इन सब मामलों में आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की हिदायत भी होगी। आप थोड़ा सा सावधानी से चलें, विदेशी मुद्रा से आपके जीवन में तमाम सारी खुशियां आने वाली हैं। मीन राशि, इस महीने आपके जीवन में पिच। मीन राशि, इस महीने आपके अपने जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं, समाज में आपका सम्मान नहीं होगा। इस महीने परेशानी का सामना आपको करना ही होगा, सेहत में सुधार नहीं होगा, घर में कर्ज की नौबत आ सकती है। किसी को आप पैसे जो आपने उधार दिए हैं वो वापस नहीं लौटेंगे। इस महीने आपके ऊपर कर्ज की स्थिति बन रही है, अपने खर्चों पर थोड़ा लगाम आपको लगाना होगा। तमाम सारी परेशानी इस महीने आपको आएंगी, सोच समझकर आपको चलना होगा। वाहन चलाने में आपको सावधानी रखनी होगी, किसी से फालतू विवाद बिल्कुल ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े लोगों से विवाद ना करें, कोई भी लड़ाई झगड़ा करेंगे तो उसमें आपको ही नुकसान साबित होगा। घर से बाहर निकलते समय आप किसी से ज्यादा बातचीत ना करें। वाहन भी यदि आप चला रहे हैं तो थोड़ा सावधान होकर चलाएं, वरना कोई विशेष दुर्घटना भी घटने की उम्मीद बन रही है। इस महीने आप अपने घर में शांत रहें, वरना कलेश बढ़ सकती है। संतान की ओर से भी आपको थोड़ा सा चिंता का विषय बनना पड़ सकता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।